वृंदावन में बिहार से आकर एक परिवार रहने लगा था। परिवार में केवल दो ही सदस्य थे, राजू और उसकी पत्नी। राजू वृंदावन में रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा था और रोज बिहारी जी के शयन आरती में जाता था। पर धीरे धीरे वह इतना व्यस्त हो गया कि जिंदगी की भागम भाग में उसे बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य ना मिल पाता। हरी कृपा से उसके घर एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन वो बेटी जन्म से ही नेत्रहीन थी। उसने बड़ी कोशिश की, पर हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। बेचारा गरीब, करता भी तो क्या, इसे ही किस्मत समझकर खुश रहने की कोशिश करने लगा। उसकी दिनचर्या बस इतनी थी कि वृंदावन में भक्तों को इधर से उधर लेकर आते जाते रहना, लोगों से बिहारी जी के चमत्कार सुनता और सोचता, काश मैं भी बिहारी जी से जाकर अपनी तकलीफ कह पाता। और फिर यह सोचकर वह चुप हो जाता कि बिहारी जी के पास जाऊं और वो भी कुछ मांगने के लिए, नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। पर एक दिन पक्का मन करके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा और देखा वो स्वामी जी बाहर आ रहे हैं। उसने पुजारी से पूछा, क्या मैं बिहारी जी के दर्शन कर सकता हूँ? पुजारी जी बोले, मंदिर तो बंद हो गया है, तुम कल आ जाना। और फिर पुजारी जी बोले, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? राजू ने रोती आंखों को छिपाते हुए कहा, जी महाराज छोड़ दूंगा, चलिए। पुजारी जी रिक्शे में बैठ गए और राजू से कहा कि बिहारी जी को तुम्हें कहना क्या था? राजू बोला, बिहारी जी से अपनी बेटी के लिए आंखों की रोशनी मांगनी थी, वो बचपन से ही देख नहीं पाती और उसका दुख मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बातों बातों में पुजारी जी का घर कब आ गया पता ही नहीं चला। पर घर आकर राजू ने जो देखा और सुना वो हैरान कर देने वाला था। राजू ने देखा कि उसकी बेटी दौड़ भाग रही थी। उसने बेटी को गोद में उठाकर पूछा, बेटा ये कैसे हुआ? बेटी बोली, पिताजी आज एक लड़का मेरे पास आया था और वह बोला तुम राजू की बेटी हो ना, तो मैंने उससे कहा हाँ जी, तो उसने अपने दोनों हाथ मेरी आंखों पर रख दिए और फिर मुझे सब दिखने लगा, पर वो लड़का मुझे कहीं नहीं दिखा। राजू भागते भागते पुजारी जी के घर गया, पर आश्चर्य, पुजारी जी बोले, मैं तो दो दिन से बीमार हूँ, मैं तो खुद दो दिन से बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर जा ही नहीं पाया हूँ। इतना सुनना था कि राजू की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह मन ही मन में बिहारी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करने लगा। इसी प्रकार की अन्य व्रत एवं पौराणिक कथा कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आप भी दूसरों तक इन्हें पहुंचाकर धर्म लाभ प्राप्त कर सकें।